पल में चौली पहुंचने वाली है और यहां पर राजस्थान सरकार के जो प्रमुख है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं डोटासरा जी वो भी सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि राहुल जी के स्वागत के लिए राजस्थानी लोक नृत्य की प्रस्तुति यहां दी जा रही है और कुछ ही पल में यहां पर राहुल जी होंगे और उनके स्वागत के लिए आप देख सकते हैं कि जनता उमड़ कर आ रही है, नाच गा कर आ रही है और सेवा दल के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े के साथ। मैं कैमरामैन राजेश जी से एयरपोर्ट्स हो, सड़कें हो, अस्पताल हो, स्पोर्ट्स हो, जो भी इस देश में गंदा है सारा का सारा तीन चार लोगों के हाथ जा रहा है। इससे देश का फायदा नहीं होगा, महंगाई से बेरोजगारी से देश का फायदा नहीं होगा। इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और ये यात्रा कश्मीर में श्रीनगर में जाके खत्म होगी और तिरंगे को हम वहां लहराएंगे। मध्य प्रदेश को हमने छोड़ा, मुझे दुख हुआ उनके साथ हम चले 12-14 दिन चले, हंसी मजाक किया, राजस्थान के पीसीसी चीफ को यहाँ पे संभलाया जा रहा है। सभी करदल ध्वनि से स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें, जोरदार तालियों के साथ। वंदे राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत। जोड़ो 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 जोड़ो
जी मारा रे मार बारे सह मेवरे पालम जी मारा रे मार बारे सह मेवरे पालम जी मारा रे मार बारे सह मे ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। मेरे पास स्पेशल टेक्नोलॉजी है, मैं महाराष्ट्र को हरा दूंगा और करके दिखा दिया। और अब कमलनाथ जी ने राजस्थान को चैलेंज दिया है कि मध्य प्रदेश को राजस्थान पीछे नहीं छोड़ सकता, तो अब देखना। मगर सारे रास्ते मैं आपको बताऊं, भैया एक सेकंड, हर स्टेट में, हर शहर में, हर गांव में हिंदुस्तान की जनता ने कन्याकुमारी प्रारंभ हुई है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान आई है। और जहाँ जहाँ राहुल जी जा रहे हैं कारवा बढ़ते जा रहा है। लोगों का आशीर्वाद, उनका प्रेम, आपका प्यार, उनकी दुआएं राहुल जी के साथ में हैं। पूरे देश की यात्रा का रूट एक है, पर पूरे मुल्क के तमाम राज्यों में, हर गांव में, हर घर तक मैसेज है राहुल गांधी यात्रा क्यों कर रहा है। महंगाई, अगर भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है इसीलिए खड़ा है, ये भारत की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की। तो राहुल जी का जो मिशन है, जो लक्ष्य है, भारत की संस्कृति टिकी रहे। आज हमारे भारत की संस्कृति पर जो आक्रमण हो रहा है, ये राहुल जी का लक्ष्य है। राहुल जी का लक्ष्य है कि कैसा भारत सौंपा जाए आगे आने वाली पीढ़ियों का। ये आपका दुख है कि मेरी इच्छा नहीं थी कि राहुल जी मध्य प्रदेश छोड़े। राहुल जी ने 370 किलोमीटर मध्य प्रदेश में यात्रा करी, 370 किलोमीटर इनकी पैदल यात्रा रही। राहुल गांधी जी अपने देश की संस्कृति, अपने देश के संविधान का संदेश लेके आए थे। पहला प्रदेश था मध्य प्रदेश जो हिंदी भाषी प्रदेश था, पहला प्रदेश था जहां 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, इतना प्यार उनको मध्य प्रदेश में मिला। और अशोक गहलोत जी, आप जितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, तमाम उपस्थित हमारे वेणुगोपाल जी और तमाम सम्मानित मंच, उपस्थित तमाम हमारे नेतागण पूरे प्रदेश से आए हैं, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने आज़ादी के बाद सबसे बड़ी कठिन यात्रा शुरू करी है, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। आप सोच सकते हैं
जिस रूप में यात्रा कन्याकुमारी प्रारंभ हुई है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान आई है, और जहाँ जहाँ राहुल जी जा रहे हैं कारवा बढ़ते जा रहा है। आदरणीय कमलनाथ जी पधारे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत राजस्थान की सीमा में करता हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे के सी वेणुगोपाल साहब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में संगठन महासचिव,